हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो, दैट इज सिस्टोपस। ठीक है, सिस्टोपस की लाइफ साइकिल आज हम पढ़ेंगे। सिस्टोपस भी बोलते हैं इसको और एल्ब्यूगो भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है और बहुत ही खतरनाक डिजीज ये कॉज करती है। देखेंगे हम आगे की स्लाइड्स में कि ये कौन सी डिजीज ये कॉज करती है, किस तरीके से इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, सबसे पहले हम किसी भी फंगस के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो एल्ब्यूगो का भी सिस्टमेटिक पोजीशन हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा। ये कौन से किंगडम में आता है? इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा। डिविजन यू माइकोटा, सब डिविजन मिस्टिको माइकोटीना, क्लास ओमाइसिड्स, ऑर्डर प्रोनोस्पोरेल्स, फैमिली एल्बुजिनेसी एंड जीनस एल्ब्यूगो या फिर सिस्टोपस। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई हुई है ये क्या है, इसका इन्फेक्शन है। एल्ब्यूगो का जो इन्फेक्शन है वो दिखाया गया। ठीक है, एल्ब्यूगो कैसे इन्फेक्शन करता है, ये जो पूरा व्हाइट वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट व्हाइट 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 कॉटनी जो ग्रोथ आपको दिख रही है, ये पूरा क्या है, इन्फेक्शन ऑफ एल्ब्यूगो या फिर सिस्टोपस। ठीक है, द जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 30 स्पीसीज। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, अकरिंग एज एंडो पैरासाइट इन हायर प्लांट। ये क्या होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट, इनकी ट्रू पैरासाइट्स होते हैं ये, और क्या करेंगे, एक्ट करते हैं एज अ एंडो पैरासाइट इन हायर प्लांट। जो भी हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ये डिजीज कॉज करते हैं, और कैसे एक्ट करते हैं, एज अ एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर रह के ये क्या करते हैं, एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं। ठीक है, दे यूजुअली इन्फेक्ट द मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसिफेरेसी, कन्वल्वुलेसी एंड कंपोजिटी। ठीक है, ये जनरली हमें देखने को मिलता है कि किस मेंबर की फैमिली को इन्फेक्ट करता है, क्रूसीफेरी से। आपने डिजीज भी सुनी होगी इसकी। ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये कॉज करता है, और कंपोजिटी, कन्वल्वुलेसी, एमरेंथेसी की फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनको ये स्पेशली इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके प्रिय होते हैं ये, उन्हीं को जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द जीनस एंड इट इज पैरासाइट इन द मेंबर ऑफ क्रूसीफेरेसी। ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो सबसे कॉमन जीनस है एल्ब्यूगो का। ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, और ये किसमें डिजीज कॉज करता है, क्रूसीफेरेसी के जो मेंबर होते हैं, दैट इज रेडिश, टर्निप, कैबेज, मस्टर्ड, इन सब में ये क्या करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफल कौन करता है, एल्ब्यूगो सिस्टोपस करता है। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या सिम्टम्स इसके हमें देखने को मिलता है अगर इसका इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज दिखाई हुई है ये क्या है, दिखा रहा है कि यहाँ पे एल्ब्यूगो सिस्टोपस का क्या है, इन्फेक्शन हो चुका है। तो जब इसका हम सिम्टम देखेंगे तो हमें सबसे पहले नजर आएगा द फंगस इन्फेक्ट मेनली द एरियल पार्ट। ठीक है, फंगस किसको इन्फेक्ट करती है, एरियल पार्ट के, जो प्लांट के जो एरियल पार्ट है उनको इन्फेक्शन करती है। एरियल पार्ट कौन कौन से हो गए, जैसे पिटियोल हो गया, लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सभी पार्ट्स को क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। और जो इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं डिजीज के, वो क्या होते हैं, रस्ट लाइक, वाइट, साइनी, इरेगुलर पस्टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। कैसे दिखेंगे, वाइट, रस्ट लाइक, साइनी और इरेगुलर शेप के पस्टूल्स हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की लोअर सरफेस में हमें क्या देखने को मिलेंगे, पस्टूल्स देखने को मिलेंगे व्हाइट कलर के, विच में स्प्रेड ऑन अपर साइड एंड ऑन स्टेम। अब जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो लीफ की अपर साइड पे और स्टेम में भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जो ये लीफ है, इसकी जो लोअर साइड होगी वहां पे आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर की क्या दिखेंगे, पस्टूल्स दिखेंगे, ऐसे गोल गोल गोल। और फिर जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लीफ के अपर पार्ट पे भी आ जाएंगे और स्टेम में भी फैलने लगेंगे। ठीक है, द होस्ट एपिडर्मिस इज रप्चर्ड एंड व्हाइट पाउडरी मास कम्स आउट। अब जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये होस्ट की जो एपिडर्मिस होगी वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और
अंदर ये क्या करते हैं, एंडोपैरासाइट एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। अब जब इन्फेक्शन इन्हें बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या करेंगे, जो एपिडर्मिस होगी वो रप्चर हो जाएगी और जो व्हाइट पाउडरी मास होगा वो क्या हो जाएगा, हमें ऊपर सर्फेस पे दिखाई देता है। ये व्हाइट पाउडरी मास हमें जो आंखों से दिखता है वो क्या होगा, जब होस्ट ने एपिडर्मिस को, जब होस्ट की एपिडर्मिस जब रप्चर हो जाती है उसके बाद जो हमें चीज दिखाई देती है वो है इन्फेक्शन। ही ऑलरेडी अंदर करके बैठे होते हैं, फिर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें अपनी आंखों से ये क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द होस्ट बिकम एबनॉर्मल एंड द एबनॉर्मली एबनॉर्मेलिटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ हाइपरट्रॉफी, ठीक है, फ्लैशीनेस और डिस्टॉर्शन। इतना ज्यादा इन्फेक्शन कर देते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी और फ्लैशीनेस देखने को मिलती है या फिर डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलता है कि लीफ का शेप अलग ही तरीके से बढ़ गया है, चौड़ा हो गया है, तो वो है हाइपरट्रॉफी, ठीक है। वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जब एल्बुगो का इन्फेक्शन होता है। द इन्फेक्टेड फ्लावर में बिकम स्टराइल, ये क्या करता है, फ्लावर में भी इन्फेक्शन करता है, ठीक है। मैंने बताया आपको एरियल पार्ट पे करता है, तो फ्लावर पे भी जब इन्फेक्शन करेगा तो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि इसकी जो फ्लावर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो फ्लावर क्या हो जाते हैं, स्टराइल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एल्ब्यूगो का जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और एसेप्टेट होगा एंड सिनोसेटिक। एसेप्टेट मींस इसका जो माइसीलियम होगा ऐसे, ये माइसीलियम में क्या होंगे, सेप्टा, ऐसे करके ये सेप्टा हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये सेप्टा नहीं होंगे, ठीक है। इसका माइसीलियम एसेप्टेट होगा ऐसे, यहाँ पे कोई सेप्टा हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और हाइफी क्या होता है, इसका जो ये हाइफी होगा ये मॉडिफाइड हो जाता है इनटू अ हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम में क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। हॉस्टोरियम बहुत तरीके के हो सकते हैं, नॉब लाइक स्पेशली यहाँ पे हमें हॉस्टोरियम देखने को मिलता है। नॉब लाइक मतलब जो उसका ये हाइफी होगा जब ये प्लांट में इन्फेक्शन करेगा तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है ताकि और ज्यादा क्या कर सके, इन्फेक्शन कर सके और ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर सके, तो उसलिए ये अपने हाइफी को क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है और हॉस्टोरियम में कन्वर्ट कर लेता है। किस फॉर्म के हॉस्टोरियम में, नॉब लाइक ऐसे, ये गांठ लाइक नॉब हॉस्टोरियम ये बना लेता है, ठीक है। ऐसे बहुत तरीके के हॉस्टोरियम हमें देखने को मिलते हैं, हमें फिंगर लाइक हॉस्टोरियम भी देखने को मिलता है, बट एल्बुगो के केस में हमें हॉस्टोरियम कैसे देखने को मिलता है, नॉब लाइक, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्शन अगर इसका देखें तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल मींस के थ्रू होता है। अपनी आगे स्लाइड में देखेंगे हम कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें टेक प्लेस करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एल्ब्यूगो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट में आती ही आती है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नोन एज कोनिडिया, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे टेक प्लेस करता है, कोनिडिया के थ्रू टेक प्लेस करेगा, स्पोरेंजिया के थ्रू या फिर ज़ूस्पोरेंजिया के थ्रू, ठीक है। इसमें जनरली डेवलपमेंट किसका होता है, कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये कोनिडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज स्ट्रक्चर डेवलप इन लॉन्ग बेसिपिटल चेन, ये स्ट्रक्चर जो कोनिडिया और ज़ूस्पोरेंजिया और ज़ूस्पोरेंजिया बनेंगे ये कैसे बनेंगे, चेन में बनेंगे, ठीक है, लॉन्ग बेसिपिटल चेन में बनेंगे। बेसिपिटल चेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिपिटल चेन का मतलब होता है जो यंगेस्ट कोनिडियम होगा, ठीक है, यंगेस्ट कोनिडियम जो होगा वो कहाँ पे होगा, इज एट द बेस, वो कहाँ पे होगा, बेस में होगा। ये जो आपको ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ये वाला जो होगा कोनिडियम, ये क्या होगा, ये कोनिडियम क्या होगा, यंगेस्ट होगा, ठीक है, ये वाला। और ऊपर को जो आते जाएंगे वो ओल्ड वन होंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पे से कट लगेगा तो नया कोनिडियम बनेगा, फिर यहाँ से कट लगेगा तो नया कोनिडियम। इस पैटर्न को हम बोलते हैं बेसिपिटल पैटर्न, यानी कि नीचे जो कोनिडिया बन रहा है वो नए नए बनते जा रहे हैं, न्यूली फॉर्म्ड है, और जो ऊपर जाते रह रहे हैं वो ओल्ड है। ये बना, ठीक है, ये न्यू है अभी, और इसके ऊपर वाला क्या है, ओल्ड है। फिर ये क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये और ऊपर जाएगा और इसके नीचे यहाँ पे न्यू बनेगा, तो ये न्यू आ गया, ये थोड़ा उससे ओल्ड है और ये वाला सबसे ओल्ड है, ठीक है। ये समझ में आया, बेसिपिटल पैटर्न की जो कोनिडिया का जो डेवलपमेंट होता है इसमें वो कैसा होता है, बेसिपिटल के फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑन शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर अनकॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का, कोनिडिया का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, कोनिडियोफोर में होगा। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, स्पोरेंजियोफोर में होगा, ठीक है। ये आपको जो स्ट्रक्चर ऐसे, अगर यहाँ पे कोनिडिया आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर कोनिडिया का ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किस पे हो रहा है, ये कोनिडियोफोर में होगा, ठीक है, कोनिडियो
फोर पे होगा, ओके। और ये क्या है, हमारे कोनिडिया है। कोनिडिया कैसे बन रहे हैं, बेसिपिटल मैनर में बन रहे हैं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट डीप कंस्ट्रक्शन अपीयर फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन डेवलप इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वॉल एंड अ स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप इन टू अ स्फेरिकल मल्टीन्यूक्लियेटेड कोनिडियम और स्पोरेंजियम, ठीक है। कि जैसे जैसे हमारा ये कोनिडियो फोर का जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, हमें कंस्ट्रक्शन नजर आने लगेगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कोनिडियम, न्यू कोनिडियम बनता हुआ नजर आएगा। ये तो ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंट इतना बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे समझने वाली। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम, ये प्रोसेस क्या होगी, सेवरल टाइम रिपीट होते रहेगी, फिर से एक नया कोनिडियम बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा और वो नया कोनिडियम बनाएगा, फिर वो ऊपर खिसक जाएगा, नीचे से नया कोनिडियम का डेवलपमेंट होगा, धीरे 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 ऐसे करके चेन बन जाएंगी। ये इतने सारे कोनिडिया की यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, चेन देखने को मिलेगी। और ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा, ये क्या है, लीफ का सर्फेस है, ये पूरा पार्ट क्या है, लीफ का पार्ट है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डेवलपिंग कोनिडिया चेन, होस्ट एपिडर्मिस इज रेज्ड एंड फाइनली रप्चर। अब धीरे धीरे ये क्या है, कोनिडिया बढ़ते जा रहे हैं, और तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लीफ की जो सरफेस है वहां पे क्या दिखेगा, प्रेशर लगेगा और लीफ की एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, बर्स्ट आउट हो जाएगी और कोनिडिया हमें ऊपर नजर आएंगे। जो व्हाइट कॉटनी जो मास हमें दिखेगा, व्हाइट व्हाइट कलर का जो पाउडर हमें दिखेगा, तो वो क्या होता है, उसके कोनिडिया होते हैं। वो कैसे डेवलप हुए, कि जो वो धीरे धीरे जब डेवलप हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो एपिडर्मिस होती है लीफ की, उसको क्या किया, रप्चर किया और बाहर आने लगे, ठीक है। क्योंकि कोनिडिया एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चेन बनते जाएगी, तो वो क्या करेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे एपिडर्मिस में, और एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और वो कोनिडिया बाहर आएंगे, ठीक है। कोनिडिया आर नाउ विजिबल ऑन द होस्ट सर्फेस एज पाउडरी मास, जो कोनिडिया होंगे वो हमें होस्ट की सर्फेस पे विजिबल होंगे एज अ पाउडरी मास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडरी मास। हेंस द डिजीज कॉज्ड बाय दिस फंगस इज कॉल्ड व्हाइट रस्ट, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिबल, व्हाइट व्हाइट कलर के हमारा पाउडरी मास हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये डिजीज कॉज करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। कोनिडिया जर्मिनेट आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ dispersal under moist and low temperature, ठीक है। कोनिडिया जब डिस्पर्स हुए, तो 2-3 आवर्स के अंदर ये क्या करते हैं, अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, जब इनको मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी और लो टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। लो टेम्परेचर मल्टी न्यूक्लियेटेड प्रोटोप्लास्ट डिवाइड इंटू यूनी न्यूक्लियेटेड सेगमेंट, ईच सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस इंटू बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। ये एक कोनिडिया का पार्ट, ये एक कोनिडिया यहाँ से डिटैच हुआ, ठीक है, ये कोनिडिया आपको दिख रहा है। ये कोनिडिया डिटैच होने के बाद इस पे क्या होगा, इसमें मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, तो ये एक मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर किसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। ये आपको यहाँ पे बायोफ्लैजिलेटेड ऐसे ज़ूस्पोर दिखाई देंगे, ठीक है। बाय मीन्स टू फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होंगे, बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर हमें दिखेंगे। और ये ज़ूस्पोर फिर क्या होंगे, आफ्टर लिबरेशन ये कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, फिर कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, अपना फ्लैजिला को रिमूव कर देंगे और अपने चारों ओर से एक क्या बना लेंगे, एक सिस्ट बना लेंगे, एक कवरिंग बना लेंगे, ताकि ये कुछ टाइम तक उस पीरियड पे रह सके। फिर जैसे इनको कुछ फेवरेबल कंडीशन मिलती है या प्रॉपर होस्ट मिलता है, तो वहां पे क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये है सिंपल सा एसेक्सुअल साइकिल, ठीक है। इसमें क्या है कि लीफ में अगर इन्फेक्शन आपको दिख रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ये हाइफी, हाइफी में से किसका डेवलपमेंट होगा, कोनिडिया का डेवलपमेंट होगा हाइफी में, या फिर स्पोरेंजिया का, या ज़ूस्पोरेंजियम का, ठीक है। कोनिडिया का डेवलपमेंट किस के थ्रू होगा, कोनिडिया फोर में होगा, कोनिडिया फोर होगा, ऐसे स्ट्रेट जो आपको पार्ट दिखेगा हाइफी का, वो कोनिडिया फोर होगा, और इसके ऊपर क्या दिखेंगे हमें, कोनिडिया का डेवलपमेंट दिखेगा। फिर एक कोनिडियम क्या होगा, जब डिटैच होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा बाहर, और जब वो रिलीज होगा स्पोर या फिर कोनिडिया, तो उसमें क्या होंगे, जो मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है, वो एक मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर किसमें मेटामॉर्फोस हो जाएगा, बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। ऐसे वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियेटेड बोला है, तो बहुत सारे ज़ूस्पोर वहां पे क्या है देखने को हमें मिलेंगे। फिर एक ज़ूस्पोर क्या करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अपना ये फ्लैजिला को रिमूव कर लेगा, एंसेस चार ओर से कवरिंग कर लेगा, और फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेशन करेगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसकी सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एल्बिगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, ओगैमस टाइप का होता है। ठीक है, ओगैमस टाइप का मींस यहाँ पे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक जगह पे अपनी पोजीशन पे स्थिर रहते हैं, अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। ठीक है, उनमें मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप इन इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड एंथ्रिडिया एंड ओगोनिया डेवलप साइड बाय साइड। यहाँ पे आपको ये डेवलपमेंट दिख रहा है, ये है हमारा हाइफी वाला पार्ट। ठीक है, हाइफी में से सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे हाइफी में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेप्टा, सेप्टा का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, सेप्टा का डेवलपमेंट हुआ, ये नीचे की क्या है, हाइफी पार्ट है, और यहाँ से सेप्टा का डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ओगोनियम बन रहा है। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के टाइम पे टेक प्लेस करेगा, सेप्टा का फॉर्मेशन। ठीक है, सेप्टा बना और उसके बाद यहाँ पे ओगोनियम बना, ओगोनियम के ही जस्ट साइड बिसाइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, एंथ्रीडियम देखने को मिलेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, ओगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों साइड बाय साइड क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, क्योंकि ये मूव तो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, साइड बाय साइड ग्रो करते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड मेच्योर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होंगे, ओगोनियम डेवलप होगा, ओगोनियम मैच्योर होगा, फिर एंसीडियम मैच्योर होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ओगोनियम आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, अभी मैच्योर नहीं है। ठीक है, प्री मैच्योर है। उसके बाद मैच्योरेशन के टाइम पे ये क्या होगा, ये क्या दिखेगा हमें, ओगोनियम में यहाँ पे एग नजर आ रहा है, और ओगोनियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एक होता है पेरीप्लाज्म और जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम ऊप्लाज्म। ठीक है, ऊप्लाज्म बाहर की तरफ को जो प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ होगा एग की तरफ टुवर्ड एग जो सेंटर में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं ऊप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एग हो गया, पेरिप्लाज्म हो गया और ऊप्लाज्म हो गया एग के केस में। एंथ्रीडिया के केस में हमें यहाँ पे एक मेल गैमेट मेल न्यूक्लियस दिखाई देगा और यहाँ पे फीमेल के केस में वन एग दिखाई देगा। बहुत सारे हमें एग देखने को मिलते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। वैसा ही हमें एंथ्रीडिया के केस में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमें मेल न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, ओनली वन रिमेन फंक्शनल। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ऐसे करके, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो मेल न्यूक्लियस होता है, मेल न्यूक्लियस कहाँ एंटर करता है, वो के अंदर एंटर करता है, ये आपको फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिख रही है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिख रही, और यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल जो गैमेट था वो भी एंटर हो गया, और मेल और फीमेल में जब फ्यूजन हुआ, ठीक है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना, डिप्लॉइड जाइगोट बना या जूस्पोर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर जूस्पोर में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जूस्पोर बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये इसके अंदर क्या चलेंगे, ये मियोसिस की प्रोसेस चलेगी। मियोसिस मतलब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो एक स्ट्रक्चर होगा, जो एक यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, वो किसमें मेटामॉर्फ हो जाएगा, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनाएगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था और उसमें से एक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनाएगा। ठीक है, बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बन गए और वो क्या हो गए, एनवायरनमेंट में फिर रिलीज हो गए। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो अगर फेवरेबल, फॉर एग्जांपल, अगर फेवरेबल कंडीशन जूस्पोर को नहीं मिली तो वो क्या कर लेता है, अपने चारों ओर क्या कर लेता है, फिर अपने आप को कवर कर लेता है। ठीक, सिस्ट बना लेता है अपनी चारों ओर की जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन ऑफ ओस्पोर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए वो वैसे ही रहेगा, रेस्ट पीरियड, रेस्टिंग पीरियड में रहेगा, अगर फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर क्या करेगा, ओस्पोर जर्मिनेट करता है, और ओस्पोर जर्मिनेट कैसे करेगा, जो ओस्पोर की जो आउटर लेयर होती है, एक्साइन जो बोलते हैं, वो क्या करेगी, वॉटर को एब्जॉर्ब करेगी, वॉटर को जब एब्जॉर्ब करती है तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूलेगी तो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। एक्साइन जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है, और जो इंटाइन वाली होती है, इंटाइन मतलब जो अंदर वाली लेयर होती है, वो क्या होती है, थिन स्फेरिकल वेसिकल बनाती है, और यानी कि जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। द एक्साइन ऑफ द ओस्पोर बर्स्ट बाय एब्जॉर्बिंग वॉटर। ठीक है, जो एक्साइन होती है उस पोर की, वो बर्स्ट होती है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, एंड इंटाइन प्रोट्यूड आउट एज अ थिन स्फेरिकल वेसिकल। द ओस्पोर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वेसिकल, जूस्पोर रिलीज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द वेसिकल। ये वही है कि जूस्पोर कैसे रिलीज होते हैं, ये जूस्पोर ने अपने चारों ओर से एक थिक कवरिंग बना ली थी, ये एक्साइन बना ली है,
ठीक है। अब इसके बाद ये इंटाइन है, ये जो बर्स्ट होगी तो इसके बाद क्या करेगा, जूस्पोर अपना अंदर वाली लेयर से क्या बनाएगा, एक ऐसे करके वेसिकल बना लेगा। उसी वेसिकल, फिर वही वेसिकल क्या होती है, ये एक्साइन बर्स्ट हो गई, अंदर वाला पार्ट ने क्या हो गया, बाहर को निकला और उसने एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और वही फिर क्या किसमें कन्वर्ट होती है, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जर्म ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला पार्ट, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जर्म ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये है सिंपल कि एल्ब्यूको में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। ओके, सिंपल था, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, बस ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मेरी वीडियो से कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक टू माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।